कहानी की शुरुआत में हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जो कि दो खूबसूरत लड़कियों को छेड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे इस मूवी के मेन किरदार की, जिसका नाम है अली। अब अली वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री लेता है और उस गैंगस्टर से कहता है कि मर्दांगी दिखाना हो तो वो जैसे उसके पास आकर दिखाए। जिसको सुनने के बाद वो गैंगस्टर तो उसके पास नहीं आता, पर वो दोनों लड़कियाँ उसके पास जाकर उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। खैर, इसके बाद अली अपने कार से उतर कर उस गैंगस्टर के पास जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अली ने काफी बेहुदा कपड़ा पहना हुआ था। साथ ही साथ उसके गले में हमें एक सोने का चेन देखने को मिलता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि वो बप्पी लहड़ी की तरह ही सोना काफी पसंद करता है। खैर, वो उस गैंगस्टर के पास जाकर उसे अपना हाथ दिखाकर कहता है कि ये हाथ नहीं बल्कि हथौड़ा है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर उस गैंगस्टर का गैंग भी आ चुका था और वो लोग अली के ऊपर गन पॉइंट करके उसके ऊपर शूट करने लगता है। इधर हम अली को देखते हैं जो अपने पिछवाड़े से दो गन निकालता है और उन गैंगस्टर को मारने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो वहाँ पर एक बुढ़िया के ऊपर भी गोली चला देता है, जिससे उस बुढ़िया की वहीं पर ही राम नाम सत्य हो जाता है। इधर तब तक वहाँ पर एक लड़का रास्ते में ही फुटबॉल खेलते हुए उस गोली चलते हुए जगह की तरफ आने लगता है, जबकि वहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबा हो रही थी, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी सुनाई नहीं देता। खैर, उस लड़के को उस जंग वाली जगह पर आते हुए देखकर अली के अंदर मौजूद इंसानियत जाग जाता है और वो अपने हाथ में मौजूद दोनों गन को फेंक कर और अपने अंदर की माइकल जैक्सन को जगा कर उस बच्चे को बचाने के लिए आने लगता है। अब काफी मशक्कत करने के बाद वो उस बच्चे को बचा लेता है और वहाँ पर गिरी हुई एक गन को उठाकर उन गैंगस्टर को जान से मार डालता है। पर जब वो दूसरी तरफ देखता है तभी उसे पता चलता है कि वो गैंगस्टर पुतिन के फौज की तरह खत्म नहीं हो रही थी। साथ ही साथ उसके गन की गोली भी खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अपने मुंह से ही गोली की आवाज निकालने लगता है। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर उसे ये सब कुछ करते हुए देखकर उसके ऊपर ही हंसने लगता है और उसके ऊपर अचानक गोलियों की बारिश शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अली किसी सुपर हीरो से कम नहीं था और उसे एक भी गोली नहीं लगता, जिस वजह से वो नल्ले गैंगस्टर अली से काफी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों हसीना उन्हें बचाने के लिए अलादीन के घोड़े में अपनी मलाई लगाकर उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अली को नींद से उठते हुए देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रियल नहीं बल्कि अली का एक सपना था। खैर, तभी उसकी नानी उसे उठाने के लिए वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि आज उसे स्कूल जाने में देर हो रहा है। दरअसल अलादीन एक टपोरी टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि अली के कपड़े किसी छपरी से कम नहीं था और वो पीले कलर को इतना ज्यादा पसंद करता था कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक पीला ही पहनता था और उसके कार का कलर भी पीला ही था। खैर, अब वो अपने पीले कार को लेकर पहले अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बात करने लगता है। पर तभी वहाँ पर नीला कपड़ा पहना हुआ एक गैंग आता है, जिसमें लीडर का नाम था मेसिव और वो अली का दुश्मन है। दरअसल वो दोनों स्टेन सिटी की ईस्ट और वेस्ट में रहते हैं और उन दोनों के बीच ही एक दूसरे के साथ नहीं बनती। खैर, अगले सीन में हम अली को उसके क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को गुंडा बनने की टेक्निक सिखा रहा था। दरअसल अली एक टपोरी टीचर है और वो बच्चों को गुंडा बनना और हुतिया हरकत करना सिखाता है। खैर, तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम था रेबी, वो वहाँ पर आता है और वो अली से कहता है कि सरकार ने उसके इस गुंडे स्कूल को बंद करने के लिए कहा है। जिसको सुनने के बाद वो काफी दुखी हो जाता है और वो रेबी से कहता है कि अगर ये स्कूल बंद हो गया तो इन मासूम बच्चों को कौन गुंडा बनाएगा और इनका फ्यूचर क्या होगा। इसके बाद अली काफी देर तक चुप रहता है और फिर वो कहता है कि वो इस गुंडे स्कूल को किसी भी हालत में बंद होने नहीं देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि डेविड नाम के एक आदमी से बात कर रहा होता है। इसी बीच वो कहता है कि उनके पार्टी को इलेक्शन में जीतने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि काफी होनहार और दिलदार हो और साथ ही साथ उसके अंदर किसी की लेने और किसी को देने का भी हिम्मत हो। दूसरी तरफ हम अली को देखते हैं जो अपना गुंडा सेंटर बचाने के लिए भूख हड़ताल कर रहा होता है, जिसमें कि वो केएफसी के पिज्जा बर्गर को छोड़कर किसी भी चीज को खाने से मना करता है और अपने हाथ को जंजीर से बांध लेता है। तभी वहाँ पर उसका दुश्मन मैसिव आता है और वो बीच बाजार में ही उसका पैंट उतार देता है, जिसको रास्ते में मौजूद काफी सारे औरतें भी देख लेते हैं और शर्म के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक औरत अलादीन के पास आती है और क्योंकि अलादीन का हथियार काफी लंबा और बड़ा था, इसीलिए वो एक स्टिक से उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपने घर के खिड़की से अली को देख लेता है और उसके हथियार को देखकर वो भी उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाता है, जिस वजह से वो अपने एक आदमी को अली को वहाँ पर लाने के लिए कहता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि यही एक आदमी है जो हमें इलेक्शन में जिता सकता है। खैर, इसके बाद अली को डेविड के घर लाया जाता है, जहाँ पर घर में घुसते ही वो सेक्रेटरी कैट को देखता है, जिसको देखकर उसके मन में प्यार के बुलबुले फूटने लगता है। इधर डेविड अली को उसके पार्टी में ज्वाइन होने के लिए ऑफर देता है और साथ ही साथ वो उसे स्टेन सिटी का MP बनाने का वादा करता है, जिस वजह से अली भी उसके पार्टी में ज्वाइन होने के लिए मान जाता है। इसके बाद अली जब वहाँ से चला जाता है, तभी कैट डेविड से कहती है कि अली एक बावला है और अगर अली उनके पार्टी का एक मेंबर
बन जाता है तो उनका पार्टी 100% हार जाएगा। जिसका सुनकर डेविड उससे कहता है कि अली को उसने इसलिए इस पार्टी में ज्वाइन करवाया है ताकि ये पार्टी हार जाए, जिस वजह से जगह जगह पर प्रेसिडेंट के ऊपर विरोध किया जाएगा और प्रेसिडेंट को अपने कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद डेविड खुद इस देश का हर्ताकर्ता और विधाता होगा और वो जो चाहेगा वही होगा। खैर, अगले सीन में हम अली को प्रोस्टिट्यूशन यानी अपने पार्टी का प्रमोशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कई सारी औरतों से कहता है कि उनकी गंदी वीडियो उसके पास है और अगर उन्होंने उसे वोट नहीं दिया तो वो वीडियो वो टिकटॉक में डालकर वायरल कर देगा। जिसको सुनकर वो सभी औरतें काफी डर जाते हैं और उसे वोट देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद अली रास्ते में भी अपने पार्टी को इलेक्शन में जिताने के लिए प्रमोशन करने लगता है। अगले सीन में हम अली को एक न्यूज शो में देखते हैं, जहाँ पर एंकर उससे पूछता है कि वो अगर इलेक्शन जीत गया तो वो देश के लिए क्या करेगा। जिसके जवाब में अली उससे कहता है कि वो पहले तो खुशी से पागल हो जाएगा और जब वो अपने दिमागी संतुलन को ठीक करके वापस आएगा तभी वो अपने शहर के बच्चों के लिए गुंडा स्कूल को बचाने की कोशिश करेगा। अब इसी दौरान उस न्यूज एंकर के साथ एली की बहस होने लगता है और एली उस न्यूज एंकर को काफी उल्टा सीधा कह देता है, जिस वजह से वो न्यूज एंकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम स्टेन सिटी के इलेक्शन रिजल्ट को देखते हैं, जहाँ पर अली जीत गया था, जिस वजह से एली और उसकी गर्लफ्रेंड जूली काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद रात में एली जब कार के अंदर जूली के साथ खचाखच मचा रहा था तभी कार के ऊपर लगा हुआ स्पीकर का माइक्रोफोन गलती से ऑन हो जाता है और शहर के सभी लोग इस चीज का मजा लेते हैं। खैर, इसके बाद हम अली को यूएस के पार्लियामेंट में देखते हैं, जहाँ पर सभी देश के प्रेसिडेंट आए हुए थे। इसी बीच मीटिंग के दौरान अली उलझुलुल बातें करने लगता है, जबकि वो एक टपोरी की तरह वहाँ पर आया था। दरअसल वहाँ पर सभी देश के प्रेसिडेंट कोट बूट पहनकर आए थे, लेकिन अली छपरी की तरह ही वहाँ पर पहुँच गया था, जिस वजह से प्रेसिडेंट एली के ऊपर काफी नाराज हो जाता है और वो डेविड से एली को कल के अंदर इस्तीफा दिलाने के लिए कहता है। लेकिन अगले ही दिन एली जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है तभी प्रेसिडेंट उसके ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पिछले ही दिन उसने पार्लियामेंट में जो उलझुलुल बातें की थी उसके वजह से उनके पार्टी को काफी प्रॉफिट हुआ है और लोगों का मानना यह है कि अली से बेहतर कोई भी एमपी नहीं हो सकता, इसीलिए प्रेसिडेंट एली को उसके कैबिनेट का मिनिस्टर बना देता है। साथ ही साथ वो एली को एक खुफिया मिशन के बारे में भी बताता है और एली कहता है कि वो इस मिशन को संभाल लेगा। इसके बाद एली उस मिशन के लिए एक शिप में जाता है, जहाँ पर उस शिप का कैप्टन उसे अच्छी तरीके से वो शिप दिखाने लगता है। इसी दौरान वो उस शिप में मौजूद कुछ नशेली सामान को उसे दिखाता है जो कि उस शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम एली को एक महारानी के सामने देखते हैं, जहाँ पर वो काफी अच्छी तरीके से महारानी को स्वागत करता है। इसी बीच वो महारानी को वेलकम करने के लिए उसके सामने नाचने लगता है, लेकिन तभी उसके पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से वो महारानी के स्कर्ट को पकड़ लेता है और स्कर्ट उतर जाने की वजह से महारानी पूरी न्यूड हो जाती है। इसके बाद अगले दिन एली अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर बोराट भी आया हुआ था। दरअसल बोराट मूवी को भी मैंने आज से दो ही दिन पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें कि आपको कजाकिस्तान के एक भूखे नंगे आदमी को दिखाया जाएगा जो कि कजाकिस्तान से अमेरिका आता है कुछ सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पर आकर वो ऐसी वैसी कुछ चीजें सीख लेता है जो कि सच में काफी ज्यादा मजेदार है। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। खैर, इधर एली और जूली बोराट के साथ मिलने के बाद ऊपर एक रूम में जाता है जो कि दरअसल प्रेसिडेंट का रूम था और वहाँ पर पहुंचकर वो दोनों गपागप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अनाउंस करता है कि वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट जिसका नाम था मवाको उसके साथ कुछ प्राइवेट बात करना चाहता है, जिस वजह से वो प्रेसिडेंट मवाको को ऊपर के एक रूम में लेकर जाता है। इधर एली और जूली जब गपागप कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि उस रूम में लगा हुआ एक सीसीटीवी भी ऑन हो जाता है, जिस वजह से नीचे पार्टी में मौजूद सभी लोगों को प्रेसिडेंट की रूम की आवाज सुनाई देता है और वो लोग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट अफ्रीका देश के प्रेसिडेंट के साथ गपागप कर रहे हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट के आते ही वो लोग प्रेसिडेंट को काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेसिडेंट और एली को वर्ल्ड ऑर्गेनाइज के मीटिंग में देखते हैं, जहां पर कुछ बड़े देशों ने छोटे देश के ऊपर हमला कर दिया था और इसी के बारे में वहां पर चर्चा हो रहा था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एली उस मीटिंग में भी गाना सुन रहा था। दरअसल एली बादाम बादाम कांचा बादाम वाला गाना सुन रहा था, जिस वजह से वो इस गाने से काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गया था। लेकिन प्रेसिडेंट जब उससे कहता है कि उसे कुछ करना होगा वरना पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, जिसको सुनने के बाद अली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किचन में जाकर चाय में कुछ नशे की सामान मिला देता है, जिस वजह से सभी देश के प्रेसिडेंट जब उस चाय को पीते हैं तभी वो लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद अगले ही दिन एली जब प्रेसिडेंट के साथ कहीं पर जा रहा था तभी कुछ न्यूज रिपोर्टर उसे पकड़ लेता है और उसे क्रिमिनल के नाम से पुकारने लगता है। दरअसल एली ने जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइज के मीटिंग में चाय के अंदर नशे की सामान मिला दिया था इसके बारे में न्यूज रिपोर्टर को पता चल गया था, इसीलिए प्रेसिडेंट एली को उसके पार्टी से निकाल देता है और एली भी अपने सामान को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद एक दिन एली जब अपने घर पर होता है तभी वहां पर केट आती है
और एलिस से पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई है, जिसके जवाब में कैट टीवी ऑन करती है और एली देखता है कि प्रेसिडेंट के रूम में एक न्यूड वीडियो वायरल हो गया है जो कि दरअसल एली और उसकी गर्लफ्रेंड जूली की है, लेकिन बाकी सारे लोग समझ रहे हैं कि ये काम प्रेसिडेंट का है, जिस वजह से अपने इज्जत के चलते प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर केट उससे कहता है कि उसे पता है कि ये काम एली का है, पर फिर भी वो एली को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि प्रेसिडेंट के इस्तीफा देने के बाद डेविड उसके जगह पर आ गया है और उसने कैट को काफी सारा पैसा दिया है, इसलिए वो एली को भी मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसों की लालच और उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन एली उसके झांसे में ना आकर वहाँ से निकल जाता है और शहर के सभी गुंडे और मवाली को बुलाकर उन्हें कहता है कि डेविड ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चाल चल के उसे अपने पद से इस्तीफा देने में मजबूर किया है। इसलिए एली अपने साथियों को लेकर सबूत इकट्ठा करने के लिए डेविड के घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन घर के अंदर काफी सारे सिक्योरिटी और खतरनाक लेजर लगा हुआ था जिसको वो लोग नाचते नाचते ही पार कर लेते हैं। इसके बाद जब एली लॉकर को चेक करता है तभी उसे पता चलता है कि डेविड स्टेन सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद करके वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था और इसके बाद डेविड और एली के बीच एक फाइट होता है जिसमें कि एली डेविड को किसी तरीके से चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि डेविड के लोग स्टेन सिटी को पूरी तरीके से खाली कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर साइकिल लेकर एली पहुँच जाता है और उन्हें ये काम करने से मना करता है, पर इसके जवाब में डेविड पुलिस को एली को पकड़ने के लिए कहता है और पुलिस एली को पकड़ने के लिए जाता है। इसी बीच वहाँ पर कैट भी आ जाती है और वो पुलिस को डेविड के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि प्राइम मिनिस्टर को झूठे केस में फंसाया गया था, जिसको सुनने के बाद पुलिस डेविड को अरेस्ट कर लेता है। दरअसल कैट के अंदर भी इंसानियत जाग गई थी और वो इन बेगुनाह लोगों को घर से बेघर होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एली को फिर से अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना, और ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।